पंथम, सरिलेरु निकेबारु, डिस्को राजा, अलावेंगुदा प्रमुलो और भीष्मा जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज का क्या आप भी मेरी तरह वेट कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, आपका इंतजार होने वाला है खत्म और आपको देखने को मिलने वाली है साउथ की नई नई ब्लॉकबस्टर मूवी हिंदी डब में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की 10 मच अवेटेड एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवीज की हिंदी डब वर्जन के बारे में और ये सभी फिल्में कब तक और कहां देखने को मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके लास्ट तक ज़रूर देखना और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह की अपडेट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले नंबर की मूवी वो आती है नता सर्वभौमा। ये मूवी 2019 में आई एक्शन ड्रामा वाली मूवी है जिसको डायरेक्ट किया था पवन बाड़िया ने और प्रोड्यूस किया था लोकलाइन वेंकटेश ने। इस मूवी के स्टार कास्ट में पुनीत राजकुमार, अनुपमा परमेश्वरन, रचिता राम जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। इस मूवी को कन्नाड़ा लैंग्वेज में 7 फरवरी 2019 में रिलीज करवाया गया था और मूवी को रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला था। इस मूवी को IMDb पर 7 out of 10 की रेटिंग मिली है और 90% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। बात किया है दोस्तों मूवी के हिंदी डब वर्जन की। इस मूवी के हिंदी कॉपीराइट्स खरीदा है जी नेटवर्क ने और इस मूवी की हिंदी डबिंग 100% कम्प्लीट करवा ली गई है और अब ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है। ये मूवी अगस्त के महीने तक जी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट की दूसरे नंबर की मूवी आती है वो है जॉम्बी रेड्डी। जॉम्बी रेड्डी 2021 की एक्शन वाली मूवी है। ये मूवी तेलुगु लैंग्वेज की पहली जॉम्बी मूवी है जिसको राइट किया है प्रशांत वर्मा ने और प्रोड्यूस किया है राजशेखर वर्मा ने। मूवी के स्टार कास्ट में तेजस अज्जा, आनंदी और दक्षा देखने को मिलेंगी। इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में 5 फरवरी 2021 में रिलीज करवाया गया था और मूवी को शानदार रिस्पॉन्स भी मिला था। इस मूवी को 7.7 out of 10 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 95% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। जब मूवी के हिंदी डब वर्जन की तो इस मूवी के हिंदी डब राइट्स को मूवी के रिलीज के टाइम ही RKD स्टूडियोज ने परचेस कर लिए थे और अब इस मूवी का हिंदी डब वर्जन भी कम्प्लीट हो चुका है और ये मूवी जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में कलर सिनेमा पर इसके टीवी चैनल पर देखने को मिल सकती है। इसलिए इसके तीसरे नंबर की मूवी आती है वो है पंथम। पंथम मूवी 2018 में आई एक्शन रोमांस वाली मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है के चक्रवर्ती रेड्डी ने और प्रोड्यूस किया है के राधामोहन ने। पंथम मूवी के स्टार कास्ट में गोपी चंद और नरेंद्र कौर प्रजाड़ लीड रोल में नजर आएंगे। इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में 5 जुलाई 2018 में रिलीज करवाया गया था और मूवी को IMDb पर 6.2 out of 10 की रेटिंग मिली हुई है और 92% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। बात किया दोस्तों मूवी के हिंदी डब वर्जन की तो इस मूवी के हिंदी डबिंग कम्प्लीट करवाई है सेमारू अपने और इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर कलर सिनेमा टीवी चैनल पर या हो सकता है सेमारू ऐप पर ही अब से 1 से 2 महीने में देखने को मिल जाए। इस लिस्ट के चौथे नंबर की मूवी आती है वो है 118। 118 2019 की एक्शन रोमांस वाली मूवी है। इसे डायरेक्ट किया है KV गोहन ने और प्रोड्यूस किया है महेश एस कोनेरू ने। इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में 1 मार्च 2019 में रिलीज करवाया गया था और मूवी को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। इस मूवी के स्टार कास्ट में कल्याण राम के साथ शालिनी पांडे और निविदा थॉमस देखने को मिलेंगी। इस मूवी के हिंदी डब राइट्स को खरीदा आदित्य मूवीज ने और अब इस मूवी के हिंदी डब 100% कम्प्लीट करवा ली गई है और ये मूवी अब से आने वाले 1 से 2 महीनों में स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर और आदित्य मूवीज के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट के पांचवें नंबर की मूवी आती है वो है नीनू बिदानू निरानू नेने 2019 में आई कॉमेडी रोमांस वाली मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था कार्तिक राजू ने और प्रोड्यूस किया था दया पन्नम ने। इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में 12 जुलाई 2019 में रिलीज करवाया गया था और मूवी को 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और 92% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। इस मूवी के स्टार कास्ट में संदीप किशन, आन्या सिंह और बैनर किशोर नजर आएंगे। बात किया मूवी हिंदी बैनर की तो इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को मिस्ट्री मूवीज ने खरीदा है और इस मूवी की हिंदी डबिंग कम्प्लीट करवा ली गई है। इस मूवी को हिंदी में मैं हूँ सरफिया जिगर वाला नाम से रिलीज किया जाएगा और इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगा। इस लिस्ट की छठवें नंबर की मूवी आती है वो डिस्को राजा। डिस्को राजा मूवी 2020 में आई साइंस फिक्शन की एक्शन वाली मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है BI आनंद ने और प्रोड्यूस किया था रामा अल्लूरी ने। इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में 24 जनवरी 2020 में रिलीज करवाया गया था और मूवी को IMDb पर 6.3
आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। इस मूवी के स्टार कास्ट में रवि तेजा, पायल राजपूत, नवा नितेश जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा है गोल्डमैन टेलीफिल्म्स ने। दोस्तों, इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्डमैन टेलीफिल्म्स ने खरीद लिया है और इस मूवी की भी लगभग डबिंग प्रोसेस कंप्लीट करवा ली गई है और ये आने वाले कुछ समय में सोनी मैक्स के टीवी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। 7 नंबर की मूवी आती है मच अवेटेड सरीलेरू निके बारू। सरीलेरू निके बारू मूवी 2020 की एक्शन कॉमेडी वाली फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था अनिल रविपुड़ी ने और प्रोड्यूस किया था राम ब्राह्मम ने। इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में 11 जनवरी 2020 में रिलीज करवाया गया था और IMDb पर इस मूवी को 10 में से 6 की रेटिंग मिली हुई है और 77% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। मूवी के स्टार कास्ट में महेश बाबू, अश्विनी मंदना, प्रकाश राज जैसे कलाकार नजर आएंगे। इस मूवी का हिंदी डब वर्जन गोल्डमैन टेलीफिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा और सोनी मैक्स के टीवी चैनल पर या ढिंचाक पर देखने को मिल सकता है। इस लिस्ट की 8 नंबर की मूवी आती है वो है अल्लूडू अधूर्स। अल्लूडू अधूर्स 2021 की एक्शन रोमांटिक कॉमेडी वाली मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है संतोष श्रीनिवास ने और प्रोड्यूस किया है गोरिल्ला सुब्रमण्यम ने। इस मूवी को 14 जनवरी 2021 में रिलीज किया गया था और मूवी को IMDb पर 3.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और 68% गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है। ये मूवी बॉक्स ऑफिस एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी लेकिन हिंदी ऑडियंस को इस मूवी का बहुत ज़्यादा वेट है। इस मूवी के स्टार कास्ट में नजर आएंगे श्रीनिवास वेलमकोंडा, प्रकाश राज, नवा नितेश, अनु मैन्यूल और सोनू सूद। बात किया फ्रेंड मूवी के हिंदी डब वर्जन की तो इस मूवी के हिंदी डब राइट्स को खरीदा है जी एंटरटेनमेंट ने। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको जी सिनेमा के टीवी चैनल पर ही देखने को मिलेगी। इस लिस्ट के 9 नंबर की मूवी आती है अला वैकुंठ पुरामुलु। अला वैकुंठ पुरामुलु मूवी 2020 में आई एक्शन ड्रामा वाली मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और प्रोड्यूस किया है अल्लू अरविंद ने। इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में 12 जनवरी 2020 में रिलीज करवाया गया था और IMDb पर इस मूवी को 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और साथ ही 88% गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है। इस मूवी के स्टार कास्ट में स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े और निवेदा पेथुराज जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा है गोल्डमैन टेलीफिल्म्स ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को परचेस कर लिया गया है गोल्डमैन के द्वारा और इस मूवी के डबिंग प्रोसेस भी चालू है। जैसे इस मूवी डबिंग कम्प्लीट हो जाती है तो ये हमको सोनी मैक्स के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए उसकी लास्ट मूवी और 10 नंबर की मूवी आते हैं वो भीष्मा। भीष्मा मूवी 2020 की रोमांस कॉमेडी वाली मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है बेंकी कोदुमला ने और प्रोड्यूस किया है सूर्य देवरा नागा बामसी ने। इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में 21 फरवरी 2020 में रिलीज करवाया गया था और इस मूवी को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और 80% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। इस मूवी के स्टार कास्ट में नितिन रेड्डी और रश्मिका मंदाना देखने को मिलने वाले हैं। बात किया है मूवी के हिंदी डब वर्जन की तो इस मूवी के हिंदी डब राइट्स को भी गोल्डमैन टेलीफिल्म्स ने खरीदा है और इस मूवी की डबिंग प्रोसेस 100% कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मूवी हिंदी में आने को तैयार है। ये मूवी भी आपको इसी समर में देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड, जितनी मूवी मैंने आपकी इस लिस्ट में बताई है वो आपको इसी समर में देखने को मिलने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि इस समय में आपको सबसे बड़ी बड़ी फिल्में देखने को मिली। फ्रेंड्स, जैसे ही मूवी कंफर्म रिलीज डेट आती है या कोई प्रोमो आउट होता है टीवी के द्वारा तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, जिसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे फिर से नई मूवी के अपडेट साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप किसी और मूवी का अपडेट भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए।